नमस्कार, मैं रुपेश आप सभी का स्वागत करता हूं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ। देखिए, यहां पर एडियो की जो क्लासेस है कंटिन्यू कल से स्टार्ट हो चुकी है। शाम 5 बजे और सुबह 8 बजे की क्लासेस लगती है। ओके, अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा एवं साथ ही बेल आइकन की घंटी को दबाकर रख लीजिएगा। इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। के बारे में पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल सिरपुर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, महासमुंद। सिरपुर महासमुंद जिले में है और सिरपुर में ही बुद्ध विहार, स्वास्तिक विहार और लक्ष्मण मंदिर भी स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात इस राज्य में सबसे ऊंचा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, तीरथगढ़ जलप्रपात। तीरथगढ़ जलप्रपात इस राज्य में सबसे ऊंचा है और तीरथगढ़ जलप्रपात बस्तर जिले में मुनगाबहार नदी पर स्थित है जिसकी ऊंचाई 300 फीट है। अगला प्रश्न, इस राज्य का मराठा सूबेदार इनमें से कौन था जिसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केशव गोविंद। केशव गोविंद के शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था और विठल दिनकर के शासनकाल। निम्नलिखित आईएएस अधिकारियों में से कौन भारत सरकार का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव भारत सरकार का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी होता है। अगला प्रश्न, सामान्य परिस्थितियों में एक नगर निगम में प्रशासनिक अधिकार मुख्यतः किसके पास होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नगर आयुक्त। सामान्य परिस्थितियों में एक नगर निगम में प्रशासनिक अधिकार मुख्यतः नगर आयुक्त के पास होता है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर यह राज्य स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दक्षिण पूर्व। मध्य प्रदेश की दक्षिण पूर्व दिशा की ओर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। यह मध्य प्रदेश है और यहाँ पास है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज इस राज्य में उपलब्ध नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन में इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मैग्नीज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा असम के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर मेघालय राज्य बनाने का प्रावधान किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 22वां संशोधन अधिनियम 1969 को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र इस राज्य में सबसे अधिक विस्तृत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिलतरा। सिलतरा औद्योगिक विकास केंद्र छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक विस्तृत है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय इनमें से किनके नाम पर है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, हिदायतुल्ला। हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो कि रायपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन इस राज्य में प्रशासन का प्रमुख होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मुख्य सचिव। मुख्य सचिव राज्य में प्रशासन का प्रमुख होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा इस राज्य की संस्कृति का आधार है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। जनजातीय जीवन शैली, कृषक परंपराएं, विभिन्न धर्मों का संगम, ये सभी छत्तीसगढ़ राज्य की संस्कृति का आधार है। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में इस राज्य में शासन करने वाले निम्नलिखित में से किस वंश के राजाओं ने लिंगाधिपति की उपाधि धारण की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सोमवंश। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन करने वाले सोमवंश के राजाओं ने त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त नहीं किए जाते हैं? इस वाले प्रश्न को व्यापम द्वारा विलोपित किया गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से कर्मवीर पत्रिका के कौन से संपादक गिरफ्तार हुए? उत्तर ऑप्शन बी, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जिला कचहरी में आग लगाने का प्रयास किया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, दुर्गा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायी उद्देश्य के लिए विधान परिषद है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में विधायी उद्देश्य के लिए विधान परिषद है। अगला प्रश्न,
छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान पर प्रत्येक वर्ष संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है जिसे चक्रधर समारोह कहते हैं? इसके सही उत्तर ऑप्शन ए रायगढ़। रायगढ़ जिला में प्रतिवर्ष संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है जिसे चक्रधर समारोह कहते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन इस राज्य की शीर्षस्थ महिला लोक गायिका है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ममता चंद्राकर। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य के जनजातीय लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है जो कृषि परंपरा पर आधारित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कर्मा। कर्मा नृत्य कृषि परंपरा पर आधारित है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य की कितनी जनजातियां सूचीबद्ध है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 42। छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है। अगला प्रश्न, मरिया मुरिया एवं डोरला छत्तीसगढ़ राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति की उप जनजातियां है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी गोड़। मरिया मुरिया एवं डोरला गोड़ जनजाति की उप जनजातियां है। अगला प्रश्न, इनमें से किसने छत्तीसगढ़ राज्य की जनजातियों की संस्था घोटुल का अध्ययन किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी वीरियर एल्विन। और वीरियर एल्विन द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तक का नाम है द मुड़िया एंड घोटुल, द बगास, द अगरिया और द गौर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तिथि से भारत में वस्तु एवं सेवा कर प्रारंभ हो गया है? इसके सही उत्तर ऑप्शन सी 1 जुलाई 2017 से। और जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगला प्रश्न, इनमें से भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो ये उस समय करंट अफेयर का प्रश्न है और इसका सही आंसर है अचल कुमार ज्योति। आपके लिए एक प्रश्न है, वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगला प्रश्न, जर्मनी के निम्नलिखित में से किस शहर में जुलाई 2017 में G20 शिखर सम्मेलन हुआ? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हैमबर्ग। अगला प्रश्न, इनमें से कौन 2017 की विंबलडन टेनिस महिला चैंपियन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी गार्बिन मुगुरुजा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर कोरिया की राजधानी है? तो इसके सही उत्तर ऑप्शन बी प्योंगयांग। प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है। देखिए ये चाइना है और यहाँ पास उत्तर कोरिया, ये दक्षिण कोरिया है। और उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग और दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पूर्व श्री रामनाथ कोविंद निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी बिहार। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा निम्नलिखित में से किस स्वतंत्र संस्था के गठन का प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।